तो ये जो हमारा संगीत है, भारतीय संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, ये हमारे नेचर से ही उत्पन्न हुआ है. सो नेचर में क्या होता है ना, जो हवा की लहरें आती है, जैसे कि सुबह उठकर, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक हम जो उठते हैं और गाने का रियाज करने बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये ललित का माहौल है. तो ये हवा की तरफ से जो हम लोग सुर लगाते हैं, ये हवा में ही जाते हैं बाद में, और हवा के माध्यम से जो उस फिर रिबॉन्ड सुर आते हैं हमारी तरफ, वो एक इमीडिएटली वो एक मेक में बंधे जाते हैं. सो इसीलिए ये हमारा संगीत नेचर में जाता है, नेचर का संगीत हमारे तरफ आता है, और इस हवा की लहरों के माध्यम से ही हमारे दिग्गजों ने ये राग बनाए हैं. और उसके बाद फिर सुबह अच्छी तरह से हो जाती है, जैसे गर्मी हो जाती है, उस गर्मी के समय अभी तो ललित अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है. क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है, उस सूर्य की किरणें ज़्यादा फैल जाती है, ज़्यादा तप्त जैसी हो जाती है. सो उस समय गाया जाने वाला तो अभी सारंग ही होगा. वैसे 12 बजे से जैसे 1-2 बजे तक जब हम गाए सारंग राग गाते हैं, तो वो सुर उसमें घुल मिल जाते हैं. उस समय मारवा के सुर घुल मिल नहीं जाएंगे, और इसीलिए वो कोमल ऋषभ का राग, तीव्र मध्यम का राग और कोमल गंधार, ये जो सुर बनाए हैं, उस सुर के माध्यम से जो आरोह अवरोह बनाए हैं, और आरोह अवरोह के माध्यम से राग बन गए हैं ये राग, और उसके बाद रागिनियाँ भी जो बन गई है, वो वैसी तरह से बन गई है, नेचर की वजह से बन गई है. और गायक वादकों ने, गायक नायकों ने इसका प्रायोगिक तरह से अभ्यास करके ही ये बनाया है. ऐसे ही हमें अच्छा लगता है ऐसा नहीं बनाया है, इसका पूरा पूरी तरह से अभ्यास किया है. एक्चुअली 12 साल से मैं म्यूज़िक में हूँ. मेरी 12 साल से शुरू में, एक्चुअली आई एम फ्रॉम सांगली, यानी बहुत छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में सांगली, लेकिन हम लोगों ने तो गुरुकुल से ही तालीम ली है. जैसे कि गुरु के सामने बैठकर रात भर उनके सामने बैठकर तानपुरा बजाकर गाना, और मेरे गुरुजी का पूरा नाम था पंडित DV कानेबुआ. और वैसी तालीम मैंने ली थी कि मैं गुरु के घर में रहकर 12-13 साल मैं गुरु के घर जाती थी, रोज़ जाती थी, और कई कई फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग वहाँ रहते थे उनके घर में. इसको हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, गुरुकुल सिस्टम कहते हैं. जैसे कि गुरु के घर में रहकर तालीम लेना, जब गुरु कहे कि बैठ जाओ, तो वो समय नहीं देखना है, वो सुबह है या रात है. हम लोग रात 10 बजे से 6 बजे तक भी बैठते थे. और वो आगरा और ग्वालियर के गायक थे. आगरा के उन्होंने विलायत हुसैन खां साहब से तालीम ली थी, और ग्वालियर की तालीम तो उन्होंने विनायक बुआ पटवर्धन और मीराशी बुआ ऐसे दिग्गजों से तालीम ली थी. सो वो बहुत अच्छा ग्वालियर और आगरा गाने वाले गायक थे. गुरु और शिष्य का एक दृढ़ संबंध होता है, जैसे कि गुरु और शिष्य एक पिता की तरह
तरह माता की तरह पूजे जाते हैं, जैसे कि अपने घर के हो जाते हैं और गुरु और शिष्य इतनी एक मेक से बंधे हुए होते हैं। जादू भरे सो इसीलिए वो एक तरह से घर का मामला हो जाता है और फैमिली रिलेशन हो जाते हैं और उस प्रेम से वो तालीम दी जाती है, जैसे कि शिष्य के मन में भी गुरु के प्रति वो श्रद्धा और प्रेम की भावना होती है और गुरु के मन में भी उस शिष्य के तरह अपने पुत्र जैसी पुत्री जैसी माया होती है। और जो तालीम होती है वो घर में बैठकर उनके घर में जाकर तालीम की जाती है। तालीम यानी घराने की, प्रॉपर घराने की तालीम, जैसे कि सिस्टीन, जिस घराने से हमारे गुरु होते हैं उस घराने का पूरी तरह से उनके यहाँ रहकर या उनके यहाँ जाकर पूरी तरह से लगन से अभ्यास करना, उसका एक घराने का बेस होता है, जैसे कि हमारा ग्वालियर आगरा बेस है, ये ग्वालियर में ही होता है, जैसे नोमतम से शुरुआत और आगरा में भी ऐसी शुरुआत होती है। रे 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 तो आगरा की बंदिश है, फयाज हुसैन खान साहब की बंदिश है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ ग्वालियर की तान बताऊंगी आपको। हे उन संगला लागी मोरी, उन संगला गे उन संगला। और ये इस घराने में ऐसे एक कोई ऐसे राग होते हैं, उस राग की उस पद्धति की पूरी तरह से तालीम दी जाती है, जैसे कि उस एकाद राग में एक कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेस भी होते हैं। इसे हम सट्टा बोलते हैं, जैसे ग्वालियर की तान है, लेकिन फिर बोल की तरह जो आगरा में जाता है, उन संगला गी मोरी अखिया, उन संगला गी मोरी अखिया, उन संगला लागी मोरी अखिया हो, उन संगला हा उन संगला।